देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 29 दिसंबर को यूपी के गाजीपुर से महाराजा सुहेलदेव के नाम से डाक टिकट जारी किया था, लेकिन गाजीपुर में ही यह स्मारक डाक टिकट उपलब्ध नहीं था। इसका बड़ा कारण फिलाटेलिक सर्विस का न होना था। वहीं उच्चाधिकारियों के संज्ञान में यह बात आने के बाद वाराणसी ब्यूरो से गाजीपुर में यह डाक टिकट उपलब्ध कराया जाने लगा है। मुख्यतः यह फिलाटेलिक ब्यूरो में उपलब्ध होता है, लेकिन चूंकि महाराजा सुहेलदेव इस पार्टिकुलर क्षेत्र से बिलोंग करते हैं, पूर्वी उत्तर प्रदेश से, तो यहाँ के अन्य भी जो मुख्य डाकघर हैं वहाँ उपलब्ध कराया गया है। फिलाटेलिक ब्यूरो गाजीपुर में नहीं है और अमूमन कमोमरेटिव पोस्टेज स्टाम्प फिलाटेलिक ब्यूरो के थ्रू ही मिलते हैं, या जिन लोगों का फिलाटेलिक डिपॉजिट अकाउंट होता है पोस्ट ऑफिस में उनको डायरेक्ट फिलाटेलिक ब्यूरो से भेज दिया जाता है उनके मांग के अनुसार। तो ये थे हमारे साथ डाक अधीक्षक और इनका कहना था कि फिलाटेलिक सर्विस हालांकि गाजीपुर में उपलब्ध नहीं थी, लेकिन अब यहाँ महाराजा सुहेलदेव का टिकट जारी किया जा रहा है, लोगों को मिल रहा है। 450 की संख्या में यहाँ टिकट उपलब्ध हैं और 8 टिकट भी बिके हैं। लेकिन गाजीपुर से महाराजा सुहेलदेव के नाम पर डाक टिकट जारी किया गया, लेकिन ये टिकट अब तक उपलब्ध नहीं था, ये भी बड़ा सवाल है। हालांकि स्मारक डाक टिकट है और जिन जिन जगहों पर फिलैटेलिक सर्विस उपलब्ध है उन्हीं जगहों पर ये टिकट उपलब्ध हो पाएगा। गाजीपुर से उज्जवल राय, ईटीवी के लिए।